बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी फिल्म ट्रिपल आर की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनकी ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए मेन लीड में रामचरण और जूनियर एनटीआर का नाम पहले ही कंफर्म हो चुका है, लेकिन काफी टाइम से इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस फिल्म के लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए। आपको बता दें कि ट्रिपल आर के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा का भी नाम सामने आया था, और फिर इस फिल्म के लिए आलिया का नाम लगभग कंफर्म होने की खबरें सामने आईं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद खबरें आईं कि फिल्म की फीस और डेट्स की कमी के चलते आलिया ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आलिया के फैंस खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल ये साफ हो गया है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट मेन रोल में नजर आएंगी और आलिया इस फिल्म में रामचरण के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। और यही नहीं, इस फिल्म में आलिया के साथ अजय देवगन भी मेन रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, और इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन खुद ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। देखिए तरण का ये ट्वीट। बिग न्यूज, आलिया भट्ट इन एसएस राजामौली अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर सेट इन 1920s, अ स्टोरी बेस्ड ऑन टू लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर्स स्टार्स एनटीआर एंड रामचरण विद अजय देवगन। आपको बता दें कि ये फिल्म अपनी अनाउंसमेंट के साथ ही काफी ज्यादा चर्चा में है। बताया जा रहा है कि फिल्म 300 करोड़ के बजट में तैयार की जा रही है। बात करें फिल्म की तो फिल्म को 1920 के टाइम पर फिल्माया जाएगा और फिल्म मेकर्स इसमें किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से फिल्म के लिए हैदराबाद में खास सेट भी तैयार किया जा रहा है। और इस फिल्म में लीड एक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर लॉयड स्टीवन से बात भी कर ली गई है। वेल, अब जिस तरीके से फिल्म को लेकर तैयारियां चल रही हैं उसे देखकर कह सकते हैं कि ये फिल्म काफी धमाकेदार होने वाली है। तो अब अजय और आलिया के फैंस, आप उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।